अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइमर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टाइमर कंट्रोल है क्या। टाइमर कंट्रोल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। यानी अगर कोई पीस ऑफ कोड है और आप चाहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बार बार एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आप टाइमर कंट्रोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइमर कंट्रोल जो है टूल बॉक्स में लोकेटेड कहाँ पे है, तो उसके लिए ज़रा देखिए कि हम चले जाएंगे टूल बॉक्स पे, और टूल बॉक्स में आप चले जाएंगे कंपोनेंट्स का जो ग्रुप है वहाँ पे, और ज़रा एंड पे देखिएगा आपके पास पड़ा होगा टाइमर, इसको डबल क्लिक कर लें। तो नोटिस करिए कि बाकी कंट्रोल्स की तरह ये फॉर्म के ऊपर अपीयर नहीं हुआ, ये कंपोनेंट ट्रे है वहाँ पे अपीयर हुआ है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो लिमिटेड सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी, तो इसमें आप इसका सूटेबल नाम सजेस्ट कर लेंगे। मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैंने टेक्स्ट को ब्लिंक करवाना है, ठीक है, तो मैं इस एतबार से इसका नाम रख देता हूँ TMR ब्लिंक। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी प्रॉपर्टी है इनेबल्ड। जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो ये फॉल्स होने का मतलब है कि ये खुद बहुत टाइमर जो है वो एक्टिव नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं तो ये खुद बहुत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर आपको रन टाइम पे इनेबल प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी। इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो इंटरवल है, जिसमें हम वो वक्त जो है वो मेंशन करेंगे जिस टाइम पीरियड के बाद हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कोड बार बार एग्जीक्यूट हो। तो ये टाइम मिली सेकेंड में है, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो अगर आप एक सेकेंड के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं आधे सेकंड के बाद तो यहाँ पे 500 मिली सेकेंड बताने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, टाइमर कंट्रोल से हम मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे हम टेक्स्ट को ब्लिंक करवा सकते हैं, तो ब्लिंक जो है वो ऐसा कर नहीं रहा होता, हम अल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो ब्लिंक कर रहा है। कैसे भाई, ब्लिंकिंग में क्या होता है, कोई चीज़ एक लम्हे नज़र आ रही होती है तो अगले लम्हे नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो हम यही करेंगे कि हम कुछ कोड लिखेंगे अपने टाइमर के ऊपर, और उसमें हम किसी लेबल को जो है वो हम उसकी विजिबल प्रॉपर्टी अगर ट्रू हुई तो फॉल्स कर देंगे, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। और ये सारा कोड जो है ये हम कहाँ करेंगे, ये जो हमारा टाइमर कंट्रोल है इसका एक ही इवेंट है, टिक इवेंट। और टिक इवेंट कब अकर होगा, टिक इवेंट हर उस टाइम पीरियड के बाद अकर होगा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। जैसे यहाँ 500 लिखा हो तो हर हाफ सेकंड के बाद टाइमर का टिक इवेंट एग्जीक्यूट होगा। आप इससे जो रिलेटेड टेक्स्ट है वो अपनी बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ फर्दर जो है वो एक्सप्लेन्ड है। अब मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो ज़रा देखिएगा कोड विंडो में आपको टाइमर का टिक इवेंट नज़र आ रहा है। वापस डिज़ाइन विंडो में चलते हैं, और मैं यहाँ पे जनाब जाके तो कॉमन कंट्रोल में से एक लेबल पिक करूँगा। ठीक हो गया, ओके, लेबल को ज़रा सेंटर में ले आते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जो लेबल है इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट कर लें, जैसे LBL ब्लिंक। अब ठीक हो गया, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, जैसे ब्लिंकिंग टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम इसका साइज़ मेंशन कर देते हैं, से 48 पॉइंट्स। ओके, और हम मेंशन कर देंगे इसका कलर, कोई भी सूटेबल कलर दे देते हैं, और कहें इसको यहाँ सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलेंगे टाइमर के टिक इवेंट पे, और यहाँ मैं कहता हूँ कि इफ़ LBL ब्लिंक डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, देन LBL ब्लिंक डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, एल्स LBL ब्लिंक डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। सो लॉजिक इज सिंपल, अगर हमारा जो लेबल बॉक्स है वो विजिबल है तो वो विजिबल ना रहे, और अगर विजिबल नहीं है तो विजिबल हो जाए। एंड दिस विल हैपन आफ्टर एवरी हाफ सेकेंड, ठीक है, बिकॉज हमने टाइमर पे इंटरवल में 500 लिखा हुआ है। लेट स्टार्ट इट, सो हियर वी गो। आफ्टर एवरी हाफ सेकेंड वो चेक करता है कि अगर विजिबल है
तो उसको विजिबल नहीं रहने देता, और अगर विजिबल नहीं है तो विजिबल कर देता है, जिससे इसका जो ब्लिंकिंग ऑल्यूजन है वो अकर हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि वी कैन ऐड टू बटन्स, ठीक है, दो बटन्स हमने ऐड कर लिए हैं, और हम करेंगे ये कि एक बटन पर हम स्टार्ट लिखेंगे और एक पे स्टॉप। और आइडिया ये है कि जब स्टार्ट पे क्लिक करें तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाए, स्टॉप पे करने से ब्लिंकिंग ख़त्म हो जाए। तो इसका नाम रख देते हैं BTN स्टार्ट, और इसका नाम सजेस्ट कर देते हैं BTN स्टॉप। और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टॉप आर लिंक डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा इसको प्ले करते हैं। अब ज़रा देखिएगा कि ये बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट है, आप स्टॉप पे क्लिक करें तो स्टॉप हो गया। अच्छा इसका जो कैप्शन है वो somehow जो है वो मुझे पता नहीं चला कि किस वक्त चेंज होगा, तो उसको लिख देंगे टाइम इन सेकेंड्स। कीप इन माइंड कि मैं तो टाइम सेकेंड में एंटर कर रहा हूँ, लेकिन जो उसने एक्सेप्ट करना है वो मिली सेकेंड्स में करना है। तो स्टार्ट के बटन में हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो TMR जो हमारा टाइमर है जिसका नाम है TMR blank डॉट इंटरवल, कितना इंटरवल होना चाहिए जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने चेंज नहीं किया, तो वो टेक्स्ट बॉक्स वन ही नाम है उसका बाय डिफ़ॉल्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और क्योंकि ये सेकंड्स आएंगे वहाँ से, तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी ये देखें आफ्टर एवरी हाफ सेकेंड ब्लिंक कर रहे, मैंने इसको स्टॉप किया, मैं यहाँ पर कुछ टाइम एंटर करता हूँ जैसे से वन, तो इसकी जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, पहले हाफ सेकंड बाद अब वन सेकंड बाद। अच्छा अगर मैं इसको हाफ सेकंड कर दूँ दैट इज़ 0.5 स्टार्ट, स्पीड तेज़ होगी। अच्छा 0.1 करता हूँ तो इसकी स्पीड और तेज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको पता लग गया कि टाइमर कंट्रोल क्या है। एक दफ़ा सम अप कर लेते हैं। टाइमर कंट्रोल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉर्म आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स और टू डिस्प्ले अ मैसेज आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। इट वर्क्स इन बैकग्राउंड एंड इट्स नॉट विजिबल ऑन द फॉर्म एट रन टाइम। इट अपीयर्स इन द कंपोनेंट ट्रे। इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट। एनेबल्ड प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज टू एनेबल और डिसेबल द टाइमर कंट्रोल। इंटरवल प्रॉपर्टी है जिसमें आप टाइम मेंशन करेंगे मिली सेकेंड में। ठीक है, और एंड दिस विल बी द टाइम अप टू व्हिच द इवेंट प्रोसीजर ऑफ द टाइमर विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, इसका जो एक ही इवेंट है दैट इज टिक इवेंट एंड इट अकर्स आफ्टर द स्पेसिफाइड मिली सेकेंड सेट इन द इंटरवल प्रॉपर्टी ऑफ द टाइमर। And the code in the event handler of tick event is executed automatically when this event occurs. अब जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और एग्जाम्पल जो हैं वो देख रहे होंगे।